नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप विंडो एसी का हम लोग सर्विस करने वाले हैं, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों की सर्विस एक जैसी होती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, विंडो एसी को सर्विस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हिटैची कंपनी का 1.5 टन की एसी है, तो इसको हम लोग पहले सर्विस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉक का सिस्टम रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेचकस डाल के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आसानी से पेचकस को लगाना है साइड साइड में, और एक लॉक टाइप का लगा रहता है, इसमें कोई नट नहीं रहता। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई नट नहीं रहता। आप अपने घर पर भी इसको आसानी से सर्विस कर सकते हैं। बहुत से जो घर पे लोग रहते हैं कि सोचते हैं कि ये कैसे इसकी सर्विस होगी, तो आज इसी के बारे में फुल डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा पार्ट में पानी डालना चाहिए, किस पार्ट पानी को धुलना चाहिए, किस पार्ट से पानी को नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आगे का कवर होता है इसको हमने निकाल लिया, जैसा कि ये ग्राहक ने ऑलरेडी यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया था आगे का फ्रंट का। तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से लॉक का सिस्टम रहता है, लॉक के जरिए आसानी से हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ये विंडो एसी है, और इसके जैसे एसी सर्विस करने के क्या क्या लाभ होते हैं पहले वो भी तो आप जान लीजिए। जैसे आप एसी को सर्विस कर लेंगे, इसके देखिए फायदे बहुत सारे रहते हैं। पहला फायदा क्या रहता है, आपका एम्पियर कम होने लग एम्पियर कम लेता है, मतलब जब ये चलेगा तो आपका 6 एम्पियर है तो कम 5 एम्पियर लेगा। दूसरा, लोड कम हो जाएगा और कूलिंग बेस्ट हो जाएगी, मतलब कूलिंग अच्छी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर आपका बिजली का बचत भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर गंदा रहेगा तो क्या होगा कि उस पर लोड पड़ेगा तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आ जाता, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिजली का बिल कम हो जाता है। हम लोग इसको आसानी से ढक्कन को बाहर खोल के और हम लोग एसी को बाहर कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, जो ये एसी लिए हैं ये लगभग 2 साल ओल्ड एसी है, अभी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, फिर भी इसका सर्विस ग्राहक ने बोला है सर्विस करने के लिए, मतलब उतनी गंदी नहीं, गंदी हो गई है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ सर्विस कर देते, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, जब हम लोग बाइक को सर्विस कर देते हैं तो हमारा जो बाइक जो रहता है वो आसानी से चलने लगता है, मतलब एकदम अच्छी तरीके से चलने लगता है। जो थोड़ा बहुत आवाज़ वगैरह रहता है, क्योंकि तेल पानी आ जाता है तो काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। उसी तरह सेम एसी होता है सर्विस का, ठीक है। सर्विस का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। हमने जैसे एसी को बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर कई सारे नट दिए रहते हैं, ठीक है। तो हम सभी नट को क्या कर लेंगे, पूरी तरीके अच्छे तरीके से नट को हम लोग बाहर कर लेंगे, एक जगह रख देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नट को यहाँ से अच्छे तरीके से हम लोग बाहर कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको बता जानते हैं कि लोग सोचते हैं कि एसी की सर्विस कब करानी चाहिए। जैसे आपको पता है कि बाइक की सर्विस 500 मीटर चलाने के बाद होती है, 3000 किलोमीटर चलाने के बाद होती है, तो इसी तरह एसी की भी सर्विस होती है। अगर एसी आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप साल में एक बार सर्विस करा लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप हर अगर एसी चालू करने से पहले आपको एक बार सर्विस कराना जरूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप एक सीजन में 1 से 2 बार भी सर्विस करा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एसी खोल लिए हैं, तो सबसे पहले सावधानी क्या रखना है, इसमें 2 सावधानी। एक तो मोटर पर पन्नी डाल देना है, मोटर पर बिल्कुल थोड़ा सा भी छिट्टा पानी का नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस मोटर को अच्छे तरीके से ढक लेंगे। दूसरा क्या सावधानी रखना है, दूसरा भी आपको ये सावधानी रखना है, जो इसकी पीसीबी होती है, यानी जो पैनल होता है, पीसीबी होती है, उस पर भी पन्नी लगा देना, ठीक। उस पर हमने पन्नी लगा दी। यहाँ पर एक हम लोग आप देख रहे हैं ना, एक हम लोग मोटर यूज कर रहे हैं, तो कौन सा है, प्रेशर वाश मशीन मोटर है, ठीक है। प्रेशर वाश मशीन, बहुत इलेक्ट्रीशियन भाई सोचते हैं किस मोटर से हम लोग करते हैं, प्रेशर वाश मशीन मोटर है ये। लगभग 1800 वाट से 2200 वाट का आता है, और प्राइस की बात करें दोस्तों, 5000 के से लेके 6000 के बीच में ये मोटर आता है। किस किस कंपनी का आता है वो तो हम को किस का आता है, टर्बो का आता है, बॉस का आता है, ये 3 कंपनी 4 कंपनी है जो मोटर आता है। हम लोग इसको प्लग से लगा दिए हैं। लगाने के बाद हमारा यहाँ पर देख रहे हैं ना, हम लोग इसको प्रेशर सेट कर लेंगे 10 पाउंड पे, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, 10 पाउंड प्रेशर सेट कर लेंगे, और हम लोग देखो किस प्रकार वो ऑपरेटर और कंडेंसर पे हम लोग पानी का प्रेशर डालेंगे, ठीक है। इस पर सीधा प्रेशर करेंगे तो हमारा ये मुड़ सकता है, तो आपको इसी तरह से धीरे धीरे प्रेशर को मारना है, ठीक है। अभी ये ज़्यादा गंदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर फोम यूज नहीं करेंगे। एक आता है फोम, 400 लगभग 450 ग्राम का होता है,
तो एक फॉर्म आता है, तो हम लोग उसको अभी हम लोग उसको यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से पूरे एसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि जब इसकी सफाई करिएगा तो पीसीबी पर पानी किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीसीबी में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, वो सारे चीज़ें लगे होते हैं, तो इससे हमारा पीसीबी खराब हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे। और यहाँ पर अब मैं कैमरे के सामने आता हूँ, मैं यहाँ पर खुद क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कैमरा पकड़ा हुआ था, अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ इस सामने और इसकी अच्छे तरीके से क्लीन कर दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को तब लाइक करिएगा, तब कमेंट करिएगा, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे का भी जो कंडेंसर वाला भाग है इसको भी हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितनी गंदगी है, जैसे जैसे क्लीन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो गंदगी है पूरा निकल जा रहा है। यहाँ पर जब हम लोग एसी को अच्छे तरीके से क्लीन कर दें, कंडेंसर क्लीन कर देंगे, तो जो हमारा गैस है उसका आना जाना एकदम आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है, और अच्छे से हमें कूलिंग करना, कूलिंग मतलब हवा देना स्टार्ट कर देता है। चलिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं। अब एसी के जो आगे के भी पार्ट होते हैं, अगर वो भी सर्विस के साथ साथ वो भी क्या होते हैं, क्लीन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो एसी का फ्रंट पैनल है इसको भी हम लोग एक बार पानी से वाश कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निरमा पाउडर और ब्रश लिए हुए हैं, तो इससे इसको रगड़ के काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन कर देंगे। तो चलिए, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे कर दिए, फैन मोटर में पानी नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, प्रेशर से वाश कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर वाश कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग एकदम बढ़िया से क्लीन कर देंगे। और एक चीज़ और क्लीन करना है, जिसमें ये रखा हुआ है, जिस बॉक्स में रखा हुआ है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे। ये हमारी जाली है, इसको आपको हर एक महीने पर इसको क्लीन करना है, हफ्ता या 15 दिन में आपको आगे का ढक्कन देख के आपको खुद क्लीन कर लेना है। यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर पे अपना खुद कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो एसी सर्विस का कितना चार्ज होता है, तो मैं इसी वीडियो में लास्ट में हम आपको बता देंगे कि एसी सर्विस करने का कितना चार्ज होता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक जिला है, तो हमारे यहाँ जो एसी सर्विस विंडो एसी का चार्ज होता है वो 500 रुपये होता है, और जो स्प्लिट एसी होता है उसका चार्ज लगभग 600 रुपये हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं, जो हमारा अंदर जो एसी बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर एसी रखी जाती है, उसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे, क्योंकि काम जितने अच्छे करेंगे ग्राहक खुश होके दोबारा भी हम ही लोग को बुलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार बढ़िया सा क्लीन कर देते हैं। और क्लीन करने के बाद हम लोग को एसी कितने देर बाद चलाना है, जैसे कि हमारा क्लीनिंग काम खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर वाश मशीन है इसको हम लोग अच्छे से लपेट के रख लेते हैं, तब तक हमारा जो छोटे छोटे कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो सूखते रहेंगे, और हम लोग कपड़े से क्लीन करके फिर एसी को हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दिए सूखे कपड़े से, करने के बाद इसको हम लोग उसी बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं जहाँ से एसी निकाले थे उसी को हम लोग उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो चलते हैं रूम पे लेके आते हैं, रूम पे लाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। अब पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, क्लीन करने के बाद जो हमारा कैप था उसको सेम उसी तरह फंसा देना है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको चिपका दिए हैं, और यहाँ चिपकाने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप एसी सर्विस कर लीजिएगा तो लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद चलाइएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पानी गया होगा, 2-2.5 घंटे में सूख जाएगा। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत